जिसने बयान दिया है वो ये लड़का है, और इस लड़के को निधि ने खुलेआम धमकी दी है, जिसका हमारे पास प्रूफ भी है, और इसके साथ बदतमीजी की है, गाली गलौज की है, जिसकी हम कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए यहाँ सुल्तानपुरी थाने में आए हैं, जहाँ अंदर जाने नहीं दिया जा रहा और कंप्लेंट ही नहीं ली जा रही, इसीलिए हमें मजबूरन हम डीसीपी ऑफिस जा रहे हैं, जहाँ इस बच्चे की कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। पर कोई बच्चे को कुछ हो जाता है, क्योंकि मुख्य गवाहों में से एक है, ये लड़का मुख्य गवाहों में से एक है, जिसे खुलेआम वो लड़की धमकी दे रही है, जिसका नाम निधि है, और इसके कंप्लेंट को लेने से सुल्तानपुरी थाने में हम मौजूद है, हमें ना ही हमारी कंप्लेंट ली जा रही है, इसीलिए बच्चे की कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। कल को इसके गवाह का कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदारी लेगा, और इसकी मम्मी भी नहीं है, और इसकी दादी साथ जिसने बयान दिया है वो ये लड़का है, और इस लड़के को निधि ने खुलेआम धमकी दी है, जिसका हमारे पास प्रूफ भी है, और इसके साथ बदतमीजी की है, गाली गलौज की है, जिसकी हम कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए यहाँ सुल्तानपुरी थाने में आए हैं, जहाँ अंदर जाने नहीं दिया जा रहा और कंप्लेंट ही नहीं ली जा रही, इसीलिए हमें मजबूरन हम डीसीपी ऑफिस जा रहे हैं, जहाँ इस बच्चे की कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। पर कोई बच्चे को कुछ हो जाता है, क्योंकि मुख्य गवाहों में से एक है, ये लड़का मुख्य गवाहों में से एक है, जिसे खुलेआम वो लड़की धमकी दे रही है, जिसका नाम निधि है, और इसके कंप्लेंट को लेने से सुल्तानपुरी थाने में हम मौजूद है, हमें ना ही हमारी कंप्लेंट ली जा रही है, इसीलिए बच्चे की कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। कल को इसके गवाह का कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदारी लेगा, और इसकी मम्मी भी नहीं है, और इसकी दादी।